भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई सोम दामोदर मोदी ने कहा कि वह मोदी के भाई नहीं, क्योंकि राजा का कोई भाई या रिश्तेदार नहीं होता, बल्कि पूरी प्रजा राजा को एक समान होती है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों का मन टटोलने आए हैं। वह देखना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हैं या नहीं, बीजेपी को जितवाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि वह अपने भाई को 100 में से 100 अंक देते हैं। भाई की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से यहाँ आया हूँ। आज वोटों की अपील करने के लिए आए थे या मंशा कोई और थी, कोई मकसद कोई दूसरा था? क्या मंशा, मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो लोगों का मन देखने के लिए आया था जी, और मैंने देखा यहाँ के लोगों का मन, वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को जिताएंगे। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार आप कितने अंक देते हैं अपने भाई को अगर बतौर प्रधानमंत्री, क्योंकि आपने कहा कि आप उनके भाई नहीं हैं पूरी एक। सही बात है। आप कितने अंक देते हैं प्रधानमंत्री जी को? कितने अंक देते हैं जी? 10 में से कितने अंक देंगे आप? 100 में से 100 देता हूँ सर। प्रधानमंत्री जी लगातार एक बात कहते हैं, बात के आधार पर यहाँ नहीं आया हूँ सर। मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत में जो अच्छा हो बुरा हो वो उसकी भुगतने, मुझे भी भुगतना है। बुरा होगा तो भुगतना पड़ेगा, अच्छा होगा तो ही भुगतना होगा। तो इसके लिए ये भारत का कल्याण हो तो मेरा कल्याण होने वाला है, तो ये इसी बात कहने के लिए आया हूँ। नरेंद्र भाई का भाई हूँ इसके लिए नहीं। तो इस बार के मुद्दों की बात करें, पिछली बार मुद्दे आप हिसाब कीजिए, कभी हिसाब कीजिए। एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपया पूरे परिवार की मेडिसिन के लिए दिया है जी, 5 साल में 25 लाख हो गए, 15 लाख से आगे बढ़ गए आप। इस बार के चुनावों की बात करें, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं टफ चुनाव है इस बार जो? हरियाणा की बात करें, पर कड़ा मुकाबला है। तो क्या लगता है आपको, हर जगह पर कड़ा मुकाबला है, लोगों ने मन बनाया हुआ है दोबारा से मोदी? हाँ, कोई कोई फेरफार है ही नहीं। तो क्या स्टार प्रचारक के तौर पर भी आप कहीं जा रहे हैं या? मैं स्टार प्रचारक नहीं, मैं स्टार ही नहीं हूँ और प्रचारक भी नहीं हूँ। मैं मेरे महीने के तक मिलते हैं, मेरे मन की बात कहता हूँ। आज राहुल गांधी जी भिवानी आए थे, आपसे पहले रैली की थी, उसने वादा ये भी किया है कि भ्रष्टाचारियों को खुला करूंगा, भ्रष्टाचारियों ने जो कुछ दबाया हुआ है वो निकलवाऊंगा और उनको जेल में भी भेजूंगा। तो ये भी होगा। सेना के नाम पर वोट मांगना, सेना ने जो काम किया है उसको गौरवान्वित करना, उसका गुनाह थोड़ा है? क्या सेना पहले काम नहीं करती थी इसका? नहीं करती थी, ऐसा मौका तो आया नहीं, ये पहला मौका है। लेकिन विपक्ष दावा करता है कि नहीं, विपक्ष तो जो कहना वो कहेगा, विपक्ष का काम ही है विरोध करना। सही बात है तब भी विरोध करो, गलत बात है तब भी विरोध करो, लेकिन चुनावों के दौरान ये सब भारत के बंधन में जिन जो रूल्स रेगुलेशन बताए होंगे उसके आधार पर पार्लियामेंट की में होगा और ये करेंगे। आपको क्या, मैंने यही कहा कि पार्लियामेंट में चुने हुए सभी पार्लियामेंट के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, वो लोग मिलकर तय कर पाएंगे। यानी आपकी सरकार बनेगी तो बात बन सकती है? मेरी सरकार नहीं बनने वाली है। आपने मोदी जी को सपोर्ट किया, सरकार 130 करोड़ भारतीयों की सरकार बनेगी। हाँ, 130 करोड़ भारतीयों की सरकार बनेगी। थैंक यू सर, शुक्रिया। एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें।